लक्ष्मण बाग मंदिर जो यहाँ पे है रीवा ज़िले में, उसमें कुछ लोग जो है वो गए थे और वहाँ पे जाके गांधी जी के जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर आदर करने के उद्देश्य से वहाँ गए थे, फूल माला अर्पित करने के उद्देश्य से गए थे। वहाँ पे जब वो फोटोग्राफ उन्होंने वहाँ पे निकाली तो उसके ऊपर कुछ आपत्तिजनक कुछ पेंट से लिखा गया था और पुलिस के मामले में संज्ञान में ये मामला आया, तो पुलिस वहाँ गई, वहाँ जा कर के उसको हम लोग ने ठीक करवा दिया है। लेकिन उसके ही संदर्भ में कुछ लोगों ने शिकायत की है, जिसके आधार पर हम लोगों ने एक FIR रजिस्टर की है भावनाएं हाथ करने के विषय पर, और हम लोग ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से आपत्तिजनक चीज़ों को लिखा है राष्ट्रपिता के बारे में, और इस बारे में जाँच चल रही है। जहाँ तक कलश का विषय है, कलश के बारे में भी कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई कलश था जो वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन वो अब वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो कलश से संबंधित बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है, कोई औपचारिक शिकायत कलश के संबंध में नहीं की गई है। अगर कोई ऐसी की जाती है तो उसके बारे में जांच करेंगे। मेरा ख्याल है लक्ष्मण बाग ट्रस्ट जो है ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि जो शिकायत लोग कर रहे हैं ये कहाँ पे इस तरह का कलश कभी था या था तो कहाँ गया।